नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। रायसेन पुलिस ने आज लॉस्ट एंड फाइंड यूनिट मोबाइल की शुरुआत की, जिसमें आमजनों के गुमे हुए मोबाइलों को ढूंढकर उन तक पहुंचाया जाता है। रायसेन में आज लॉस्ट एंड फाइंड यूनिट मोबाइल की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से रायसेन पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने 29 मोबाइलों को जो गुमने के बाद पुलिस ने ढूंढे और उनमें से आज 15 मोबाइलों को अपने सही मालिक तक पहुंचाया। आज रायसेन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन सभी मालिकों को उनके मोबाइल पुलिस अधीक्षक ने दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने बताया कि जिले में जिन भी व्यक्तियों के मोबाइल कहीं गुम जाते हैं तो वह अपने क्षेत्र के थाने में जाकर आवेदन दे सकते हैं या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पुलिस उनके मोबाइल ढूंढ कर उनके मालिक को देती है, लेकिन बदले में मोबाइल का बिल जरूर मांगती है ताकि मोबाइल उसके असली मालिक तक पहुँच सके। इसी कड़ी में आज रायसेन में 29 लोगों के मोबाइल उनको दिए गए हैं, जिसमें भोपाल, मंडीदीप, अब्दुल्ला गंज, सुल्तानपुर, विदिशा सहित कई जगह के लोग अपने मोबाइल को लेने पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायसेन में एक मोबाइल लास्ट एंड फाइंड यूनिट का गठन किया गया है। इस मोबाइल लास्ट एंड फाइंड यूनिट में जिन लोगों के मोबाइल गुम जाते हैं, नहीं मिलते हैं, वो अपना आवेदन पत्र हमारे यहाँ नीचे कार्यालय में देते हैं। मान लीजिए कोई उदयपुरा रहता है, बेगमगंज रहता है, वो भी लोकल थाने के माध्यम से हमारे कार्यालय में आवेदन भिजवा सकता है। वो लोकल थाने को दे दे कि साहब हमारा ये मोबाइल फला फला तारीख को हो गया था, मेक मॉडल और इसका IMEI नंबर होना ज़रूरी है। तस्दीकी के लिए हम बिल इसलिए मांगते हैं कि हम उसी व्यक्ति को दें जिस जो कि वास्तव में उसका मालिक हो। आज दिनांक को लास्ट एंड फाइंड यूनिट में 29 मोबाइल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 15 लोगों को हमने बुलाकर उनके मालिक को हमने उनके मोबाइल सौंपे हैं। खबर समय जगत के लिए रायसेन से राहुल राठौर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।